हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ आप स्टडी स्टार्ट करें और बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और व्हाट एवर योर रिक्वायरमेंट आप कमेंट करिए, कमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। अब देखिए, अभी हमारा टारगेट चल रहा है 6 मंथ। टारगेट क्या है कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और फोल्डर सर्च करेंगे एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10। तो पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर, इसके एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी मटेरियल था या जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.1। चलिए, अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी नहीं है तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज उसमें 1.2 है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, पुरानी एनसीईआरटी ना खरीदें, नई वाली एनसीईआरटी खरीदें अक्टूबर 2022 एडिशन की। ठीक है, चलिए पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। नंबर वन फर्स्ट पार्ट है इसका कितना, 140। अब ये कंपोजिट नंबर है तो इसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये कौन सी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ट्री डायग्राम से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से कट जाएगा ये, है ना, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा ये, तो कितना होगा, 7। तो 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 की पावर 2 हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया, ये 7 हो गया। वेरी सिंपल। अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं पता है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है 156। देखिए कैसे करेंगे, 2 × 7 = 2 × 8 = 2 × 9। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3 × 3। क्लियर, अब 13 यहाँ पर क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो आगे नहीं हो सकता ये। अब तो 156 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 और 2 × 2 × 3 × 13 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर, अगला पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है 3 × 8 = 2 × 5। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से 2 से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए तभी डिवाइड होगा। 3 से कब होगा, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 और 2 = 7, है ना, 8 + 7 = 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से डिवाइड करिए तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, है ना, और 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, है ना। फिर देखते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, है ना। अब ये नहीं होगा, 5 और 2 = 7, 7 × 4 = 11, 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा, तो 5 × 8 =, है ना, और 5 × 5 = और फिर 5 से होगा, तो 5 से करेंगे तो 17 आएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 2 × 5 = किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 5 × 2 × 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 5005। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आगे की बात करते हैं। खरबूजे ले लो, तरबूजे ले लो, क्या भाई, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है उसको, है ना। चलिए फिलहाल सबका अपना अपना है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है कि 5005
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 5 1 0 0 1, है ना। 3 से तो नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा ये डिवाइड। किससे होगा, 7 से। कितना हो जाएगा, 7 1 7 और 3 बचेंगे, और 7 4 28 और 7 3 21। अब 11 से होगा ये, 11 1 11 11 3 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 5 × 7 × 11 × 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी कभी सिर्फ इसके पूछ लेते हैं कि 1001 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखिए, तो आप यहाँ से लिख देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5th पार्ट इसका, कि 7429। क्लियर। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 4 11 11 और 2 कितने हो गए, 13 11 और 2 13 13 और 9 कितने हो गए, 22। तो 3 से तो नहीं कटने वाला है ये, क्लियर। और 5 से भी नहीं कटने वाला है, 7 से लास्ट के दो डिजिट 7 से कटना चाहिए, तो 29 7 से नहीं कटेगा, है ना। ये इसकी पहचान होती है, अगर 49 होता तो ये पूरा नंबर कट जाता 7 से, क्लियर। तो 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो ये कटेगा 17 से, है ना, 17 से कटेगा। कैसे, 17 4 68 17 4 68। तो 60, देखो मैं ऐसे बता देता हूँ क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। 7 4 2 9 7 4 2 9 17 से देखो 17 4 68 तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, है ना। और 17 3 1 बचेगा, 1 बचेगा, है ना। और 17 7 119 7 7 9 7 7 11 हो रहा है डिवाइड, तो कितना हो गया, 437। क्लियर। अब कितने से होगा ये, अब 19 से होगा, ठीक है। 19 2 देखिए 437 19 2 38 19 2 कितना हो गया, 38। अब इसमें से कितना बचेगा, 5, और 19 3 57 तो कितना हो गया, 23। कितना बढ़िया नंबर है, 7429 इजिक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 17 × 19 × 23। मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसके चारों पार्ट मैंने करा दिए इसके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है सेकंड। चलिए मैं इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके प्राइम फैक्टर करिए, है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखिए, इसको नोट करके लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम के अंदर आ गया तो हवा टाइट हो जाएगी, है ना। तो देखिए इन सब का अगर मैं सब निकालूँ तो 2 और 1 3 और 3 6 6 4 10 और 5 15 6 21 28 34 28 और 8 36 और 9 45 तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 3 4 12 3 1 3 और 3 1 3 और 3 5 15 3 2 6 3 2 6 3 6 18 3 3 9। क्लियर। अब फिर 3 से कट जाएगा ये, तो कितना आएगा, 3 1 3 है ना, और बनाएगा 3 3 9 3 7 21 3 1 3 2 बचेगा, 3 7 21 3 4 12 3 2 6 3 1 3। क्लियर। अब इसके बाद ये जो फैक्टर होंगे इसके ना, तो ये आपके बस का नहीं है कि इसके मैं प्राइम फैक्टर क्या निकालूँ इसके अंदर, है ना। कोई छोटा मोटा प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। मैं इसलिए करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि आप इसको रटेंगे, याद रखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या आ सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए आप याद रखेंगे, इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 3803। कितना आएगा, 3803। 3803 से जब इसको मल्टी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3607। क्लियर। दीज आर द प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर है इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3807। तो ये 3 की पावर 2 इंटू कितना आ जाएगा, 3803 × 3607। दीज आर द प्राइम नंबर्स।
ये प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी से नहीं कटेंगे, क्लियर? ओके, लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज से हटकर है क्वेश्चन, ये आप साइड में नोट करेंगे और एग्ज़ाम में अगर आ गया तो इसको याद रखना है, वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, इतना बड़ा प्राइम नंबर आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसी ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई द रिलेशन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चलिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 26 एंड 91। इसका पहले तो मुझे एचसीएफ बताना है, एलसीएम बताना है, फिर वेरीफाई करना है रिलेशन। क्या रिलेशन वेरीफाई करना है कि एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा होता है, अगर एच सी एफ एल सी एम अगर आपके पास हैं किसी दो नंबर के, सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड होता है, ये तीन के लिए नहीं होता है, तो गारंटी से ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसको, तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 के कैसे करेंगे, 2 से 13 हो गया, तो ये हो गया 2 into 13। 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना, 7 से है ना, 17 7 13 91, तो ये कितना हो गया, 7 into 13, क्लियर। एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ होता है जितने भी ये जो आपको नंबर दे रखे हैं इसमें कॉमन नंबर की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एच सी एफ बोलते हैं, है ना। एच सी एफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, कॉमन प्राइम, कॉमन प्राइम के स्मॉलेस्ट पावर होगी। तो बताइए स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसकी, 13। बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया है ना, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आंसर। तो इसमें कॉमन नंबर 13 है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो यही आ गया आंसर, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जितने भी नंबर हैं इसके अंदर उन सब की हाईएस्ट पावर है ना, या ग्रेटेस्ट पावर, क्लियर। तो बताइए इसमें कौन कौन नंबर है, 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, क्लियर। इन एलसीएम के लिए कॉमन नहीं देखते, एलसीएम के लिए सभी नंबर देखते हैं। कितने टाइप की वैरायटी है, 3 टाइप की है, 2 है 7 है 13 है, और इनकी कौन सी पावर लिखनी है अपने को, हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो कितना हो गया, 13 का डबल 26 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो 7 6 42 और 7 2 14 और 4 18 182 आ गया, क्लियर। अब हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ एलसीएम और ये नंबर बराबर आएंगे नहीं आएंगे, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ कितना है, 13, और एलसीएम कितना है, 182, तो 13 2 26, 13 8 13 8 13 8 104, तो 106, 2 कैरी था ना, 106, तो 10 कैरी, 13 बन जाए 13 और 10 23, क्लियर। अब नंबर ले लीजिए A इंटू बी, कौन कौन है, 26 इंटू 91, तो 26 का 91 से मल्टीप्लाई, तो ये 26 हो गया, 9 6 54, 9 2 18 और 5 23, तो ये हो गया 6 6 3 2, तो ये हो गया 2 3 6 6, है ना। सो देयरफॉर ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर है उन नंबर्स के जिनका ये खुद क्या है, एच सी एफ और एल सी एम है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जितने भी पार्ट्स हैं 1 by 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो एल सी एम क्या होता है, जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं है ना प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, उनकी हाईएस्ट पावर। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका 510 और 92। चलिए बताइए 510 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 510 के प्राइम फैक्टर, तो 2 से 25 और 2 5 10 है ना, 25 का ये हो गया ना, 2 2 4 2 2 4। अच्छा हाँ, आप देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत महान लोग हैं भैया, क्या करेंगे, 2 2 4 कर देंगे और फिर 2 5 10 कर देंगे, क्या यार अजीब प्राणी हो आप लोग
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये बहुत ही, ये समझ लीजिए मेजर मिस्टेक है आप लोगों की, क्योंकि एट्थ क्लास के अंदर नाइन्थ क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आप लोगों के, बस हवा में फेंके रहते हो लंबी लंबी। इधर देखिए, टू टू या फोर हो गया ना, तो एक कैरी आएगा तो कितना हो जाएगा, टू फाइव ज़ा टेन और टू फाइव ज़ा टेन, क्लियर। तो देखिए यहाँ से पाँच पाँच दस दो बारह, तीन से कटेगा तो थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर और थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, और फाइव से कटेगा फाइव बन जा सेवनटीन, फाइव ज़ा एटी फाइव होता ना, क्लियर। तो फाइव हंड्रेड टेन को आप क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन। नाइन्टी टू को क्या लिख सकते हैं, नाइन्टी टू को क्या लिख सकते हैं आप, टू फोर ज़ा एट है ना, और टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व और टू से ट्वेंटी थ्री, तो कितना हो गया, टू की पावर टू इंटू ट्वेंटी थ्री। अब देखिए एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ जो होता है कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन नंबर ये है, बस एक ही कॉमन नंबर है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर वन है, तो कितना आ गया, टू आ गया। एल सी एम क्या होता है, एल सी एम होता है जितने भी नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो दो की हाईएस्ट पावर दो, तीन की हाईएस्ट पावर एक, पाँच की हाईएस्ट पावर एक, सत्रह की पावर एक और तेईस की पावर एक, तो दो दूनी चार, चार तीन बारह, बारह पंजे साठ इंटू सत्रह इंटू तेईस, तो जीरो सत्रह छक एक सौ दो, क्लियर, इंटू ट्वेंटी थ्री, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो गया जीरो ट्वेंटी थ्री, टू जा फोर्टी सिक्स, ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री, ये इसका एल सी एम आ गया, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो देखिए वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप एच सी एफ और एल सी एम का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एच सी एफ कितना है टू है और एल सी एम कितना है टू थ्री फोर सिक्स ज़ीरो, तो कितना हो गया ज़ीरो, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, फोर टू ज़ा एट और नाइन और फोर्टी सिक्स, क्लियर, ये इसका एच सी एफ एल सी एम आ गया। अब ए इंटू बी निकालिए, ए इंटू बी कितना होगा, ए की वैल्यू है फाइव वन ज़ीरो इंटू नाइन्टी टू, तो देखो इसका जीरो का तो आप जीरो लगा लो, अब नाइन्टी टू का फिफ्टी वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो नाइन्टी टू हो गया, पाँच दूनी दस हो गया, नौ पंजे पैंतालीस और एक छियालीस हो गया, तो कितना हो गया, दो नौ छः चार है ना, तो ये हो गया छः चार नौ दो, तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, सो देयरफोर एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा, ये मैथ्स का जो भी फोल्डर मैंने आपको बताया है, इसके अंदर आपको जो है सारे एग्जांपल्स है ना, सारी एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द साइंस, तो साइंस के लिए भी एक फोल्डर आपको मिलने वाला है कि एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन क्लास 10, क्लियर। अब उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के ही सॉल्यूशन पेज वाइज वन बाय वन जितनी एक्टिविटी हैं सब कुछ आपको उसके अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है, थ्री थ्री सिक्स और फिफ्टी फोर, क्लियर। तो थ्री थ्री सिक्स के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, थ्री थ्री सिक्स के प्राइम फैक्टर करिए, थ्री थ्री सिक्स के प्राइम फैक्टर करिए, टू से टू वन जा टू, टू सिक्स ज़ा टू एट ज़ा, ठीक है, और टू से टू एट ज़ा टू फोर ज़ा, क्लियर। फिर टू से करेंगे तो टू फोर ज़ा टू टू ज़ा, फिर टू से करेंगे टू टू ज़ा टू वन ज़ा और थ्री सेवन ज़ा, क्लियर। तो टू की पावर कितना हो गया, वन टू थ्री फोर, तो टू रेज टू फोर इंटू थ्री इंटू सेवन, क्लियर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के या पावर के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अब मैंने लिख दिया इसको, और इसी की एक एप्लीकेशन होती है क्या कि एच सी एफ और क्या निकालना, एल सी एम निकालना, तो वही किया जा रहा है। 54 को आप क्या लिखेंगे, दो से 27 है ना, तीन से नौ और तीन से तीन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो कितना हो गया, टू इंटू थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, यही तो आएगा। अब देखिए एच सी एफ क्या होता है, कॉमन नंबर्स देखेंगे, कॉमन नंबर टू है और थ्री है,
अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर 2 की 1 है और 3 की भी 1 है, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। एलसीएम क्या होता है, कॉमन नहीं देखते हैं, एलसीएम के अंदर सारे नंबर्स देखते हैं, कितने टाइप के नंबर है, 2 है, 3 है, 7 है, ये तो नंबर हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गया 4 और 3 की हाईएस्ट पावर हो गया 3 और 7 की हाईएस्ट पावर हो गया 1, तो ये हो गया 2 2 4 4 4 16 और 3 3 9 3 27 इंटू 7, तो कितना हो गया 16 इंटू 7 7 49 7 2 14 और 4 18 है ना, तो 16 9 144 16 8 128, तो ये कितना हो गया 8 4 12 है ना 142, तो 14 कैरी हो गया, 16 एकम 16 16 14 कितने हो गए 30, तो ये हो गया 3024। ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए अपने को, आप चाहे डबल डिजिट में करें आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बताइए एचसीएफ इनटू एलसीएम, इसका एचसीएफ कितना है 6 है और एलसीएम कितना है 3024, तो 6 4 24, 6 2 12 और 2 कितना हो गया 14 और 6 3 18, तो 18,144। अब आप 3 3 6 का मल्टीप्लाई ए इंटू बी, जो नंबर आपने लिए जिसका एलसीएम ये है, तो वो हो गया 3 3 6 इंटू 54, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 3 6 इंटू 54, 6 4 24, 4 3 12, 2 14, 4 3 12 और 1 13, 6 5 30, 5 3 15 और 3 कितना हो गया 18, 15 और 3 कितना होता है 18, 5 3 15 और 1 16, तो ये हो गया 4 4, 8 और 3, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और ये कितना हो गया 1, तो कितना आंसर आ गया 18144। तो इसका मतलब क्या है ये कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है जिसका ये खुद क्या है HCF और LCM है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इस चैप्टर का वेटेज मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6 मार्क्स का है। इस बार जो क्वेश्चन आया था, एक MCQ आया था 1 मार्क के लिए है ना, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था आपका HCF LCM निकालने के लिए, और एक 3 नंबर का आया था HCF LCM निकालने के लिए। तो बेटर है आप इसी पर फोकस ज़्यादा करिए, HCF LCM पर है ना। चलिए 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद बोला है कि फाइंड द HCF LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर जो है आपको 3 3 नंबर दे रखे हैं, तो 12 15 एंड 21, इसका तुम्हें क्या बताना है HCF और LCM बताना है। तो देखिए कैसे आएगा, 12 को आप क्या ले सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, आप ऐसे निकालिए इस तरह से 2 6 और 2 3, ऐसे तो कर सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। और 15 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 5, क्लियर। और 21 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 7, ये तो फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बताइए। अब बताइए LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, पहले HCF के लिए बात करेंगे। HCF में देखो ये 3 कॉमन है, तो HCF में हम कॉमन पार्ट नंबर देखते हैं, कॉमन प्राइम देखते हैं, तो कॉमन प्राइम ये तो है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, तो कितना आ गया 3 आ गया। LCM देखिए, ठीक है, LCM क्या होता है, जितनी भी वैरायटी है नंबर की उसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 है हाईएस्ट पावर 1, 7 है हाईएस्ट पावर 1, तो 2 2 4 और 3 5 15 इंटू 7, 15 4 60 इंटू 7 और 7 6 42, तो 420, ये इसका LCM आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ये 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन 10th क्लास के अंदर 3 नंबर को लेकर फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन NCERT के इस चैप्टर के लास्ट पेज पर, इस चैप्टर के लास्ट पेज पर आपको फार्मूला दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्लियर। लेकिन ज़रूरत नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब देख लेना उसको बाद में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 23 29, इसका HCF बताना है और LCM बताना है। तो देखिए 17 को तो आप 17 ही लिख सकते हैं, 23 को 23 लिख सकते हैं, 29 को 29 ही लिख सकते हैं,
इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, क्योंकि 17 ऑलरेडी है प्राइम नंबर, 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसका जो HCF होगा ना, जब कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं आएगा तो इसका HCF कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा, है ना। 1 हर नंबर का क्या होता है, HCF होता है। अब यहाँ पर प्राइम नंबर कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए 1 ही ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। HCF प्राइम आए या नहीं आए इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, HCF तो कुछ भी आ सकता है, है ना। वैसे जनरली क्या आता है, प्राइम ही आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2 प्राइम आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर वो प्राइम कहाँ रहेगा, इवन भी तो आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये बस सोचना कि अगर इसको प्राइम फैक्टर में लिख रहे हैं हम तो आंसर प्राइम ही आएगा HCF, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर प्राइम कितना हो गया, 1 हो गया। अब LCM की बात करूँ तो LCM में जितने भी नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है और 29 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो 23 और 17 का मल्टीप्लाई करिए, 17 51, 17 34 और 391 इंटू 29। अब 391 का 29 से मल्टीप्लाई करिए, 9 एकम 9 और 9 9 81 और 9 3 27 तो 8 15 35 क्लियर, और 2 1 2 और 9 2 18 3 2 6 और 1 7 तो ये हो गया 9 और 3 और 8 5 13 है ना, और 7 3 10 11 तो ये कितना आ जाएगा, 11 3 3 9 ये इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड पार्ट हो गया थर्ड का। जब कभी भी प्राइम नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आए तो उसका HCF क्या माना जाएगा, 1 माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट 8 9 25। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे प्राइम फैक्टर करिए इसके, 2 4 2 2 तो 2 की पावर 3 हो गया। 9 को 3 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2, तो यहाँ पर HCF क्या है, HCF कोई भी कॉमन नंबर नहीं तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM जो भी नंबर से उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 2 4 2 8 और 9 और 25 25 8 200 इंटू 9 9 2 18 ये इसका क्या आ गया, LCM आ गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को गिवन है कि HCF ऑफ किसका, 306 और 657 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। देन फाइंड LCM ऑफ सेम नंबर, इन्हीं नंबर का अपने को क्या बताना है, LCM बताना है, 657 इसका क्या बताना है, LCM बताना है। तो ज़रा सोचिए कि HCF अपने को दे रखा है और बताना क्या है, LCM बताना है। तो अब यहाँ पर ज़रा सोचने वाली बात है कि आप ये नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने को HCF दे रखा है, नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर A कितना है, 306 और B कितना है, 5 657 क्लियर, और HCF कितना है, 9 है, और LCM अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू B अपॉन HCF, क्लियर। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू A इंटू B, A है आपका 306 और B कितना है, 657 अपॉन HCF कितना है, 9 9 7 9 63 63 ना, तो कितना बचेगा, 2 है ना, तो 9 3 27 तो 306 का मल्टीप्लाई 73 से, तो 306 का मल्टीप्लाई 73 से, 6 3 18 3 3 9 7 6 42 और 9 7 21 तो ये हो गया 8 2 1 3 9 4 13 2 2 तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8 ये आंसर होगा, 22,338 ये इसका LCM आ गया, क्लियर। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 2024 एग्जाम के अंदर ये अपने को मिलने वाला है, क्लियर। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है
कि चेक करिए कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए इसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे? अगर मैं 6 के फैक्टर करूँ तो 6 के क्या होंगे, 2 × 3 ये दोंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो गया। अब इसके जो प्राइम आ रहे हैं वो 2 और 3 यूनिक हैं। यूनिक का मतलब ये है कि n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, नेचुरल नंबर, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब जब ये चेंज नहीं होंगे तो कोई दूसरा नंबर भी नहीं आ सकता प्राइम, है ना। और किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसके अंदर 2 और 5 दोनों फैक्टर का होना कंपलसरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो 2 5 सा, तो 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ। 20 है, 20 को क्या लिखूँगा, 2 10 जा, है ना, और 2 5 जा, तो देखो 2 की पावर 2 × 5। कोई सा भी नंबर रेंडमली उठा के देख लो, 8 8 0, कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, देखिए ये कितना हो गया, 2 4 जा 2 4 जा 0, 2 2 जा 2 2 जा, है ना, और 2 से 2 1 जा 2 1 जा, और 2 से 2 5 जा 2 5 जा, और 2 5 से 5 1 जा 5 1 जा। अब ज़रा सोचिए, इसके अंदर 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बाकी कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 और 5 का होना कंपलसरी है। किस नंबर के लिए, जिसके लास्ट में डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर हमारे पास फ्रीडम है एन की वैल्यू नेचुरल नंबर रखने की। तो एन की वैल्यू मैं 1 लाख रखूँ, चाहे 1 करोड़ रखूँ, चाहे 50 रखूँ, चाहे 100 रखूँ, चाहे 1000 रखूँ, ये दोनों बंदे अड़े हुए हैं अपनी जगह पर, ये चेंज नहीं होने वाले हैं, ना इसके अलावा कोई और नंबर आ सकता है। तो हमें पता चल गया कि ये इसके अंदर सिर्फ 2 और 3 रहेंगे, तो 2 और 3 रहेंगे तो 5 नहीं आएगा, जब 5 नहीं आएगा तो इसके एंड में डिजिट 0 नहीं आएगा। क्लियर? तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आंसर इसका, कि इफ़ द नंबर 6n फॉर एनी नंबर n एंड्स विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0, इट वुड कंटेन प्राइम फैक्टर 5, इट वुड कंटेन प्राइम फैक्टर, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। क्लियर? बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज इक्वल टू 2 × 3n कंटेन्स Only primes 2 and 3, क्या लिखेंगे, सो बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप पूरा नाम लिखेंगे भाई, द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, नो प्राइम एग्जिस्ट इन 6n अदर देन 2 and 3, सो इट वुड नॉट कंटेन प्राइम 5। तो इसलिए जब कोई नहीं होगा तो 5 भी नहीं होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सो फॉर एनी वैल्यू, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n वुड नॉट एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0। इस तरह से आप इसका क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर आप कर रहे हैं तो वो उसके लिए यूनिक हैं, आप उसकी पावर कुछ भी चढ़ाइए वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। और इसके अंदर 2 और 3 आ रहे थे,
अब टू और थ्री आ रहे थे, लेकिन लास्ट में अगर जीरो मुझे लाना है, किसी नंबर के लास्ट में डिजिट जीरो लाना है, तो उसके लिए फाइव होना कंपलसरी है, लेकिन फाइव तो किसी भी वैल्यू के लिए आ ही नहीं सकता, है ना, तो इसलिए उसके लास्ट में डिजिट जीरो नहीं आएगा नंबर के। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर का मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर कंपोजिट कब कहलाता है, जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर हो, कम से कम एक ऐसा फैक्टर हो जो वन से और उस नंबर से हटकर हो। क्लियर? तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, इसको पूरा नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको क्या कर लें, इसको नंबर ही मान लें, ये नंबर वन मान लें, इसे ये कोई नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में है, ज़रूरत नहीं है इसको समेट के लिखने के, इसको प्राइम फैक्टर में आप थोड़ा सा लेकर आइए, एक सिंगल टर्म में लेकर आइए। अब ये दो टर्म है इसके अंदर, तो 13 कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, 7 × 11 × 1 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 13 × 78 और 78 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 और 9, है ना, और 3 1 और 3 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 13 × 2 × 3 × 13, तो ये हो गया 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो ये जो वन नंबर है, इसको आपने एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख दिया आपने, तो जब आप ऐसा लिख सकते हैं तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो नंबर वन, द नंबर, सो द नंबर रिटन, द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, product of its prime and it has prime factors, it has prime factors 2, 3, 13 other than 1 and itself, other than 1 and itself, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कल खाली इतना लिख देंगे ना कि इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख दिया है, है ना, तो तब भी ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब देखिए इसके अंदर 5 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया, 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, 5 आ गया, तो ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12 और ये देखो 7 × 6, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24 + 1। क्लियर? इसको क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रैकेट को, है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने लोग। तो देखिए कितना हो गया, 4 × 3 = 12 × 24, अब ये हो गया 5 × 7 × 6 = 24, 6 × 2 = 12 और 2 = 14 और प्लस कितना हो गया, 1, तो 5 × 7 = 28, है ना, और 7 × 28 = 30 और 7 × 7 = 3 = 10 और प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, 5 × 1009। अच्छा, ये प्राइम नंबर होता है, 1009 क्या होता है, प्राइम, इसके आप आगे फैक्टर नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर है आपका 1, बिल्कुल सेम इसी तरह लिखेंगे, सो द नंबर 1 रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इट हैज़ द प्राइम फैक्टर 5 × 1009 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे ये भी लिखना है लास्ट में, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर सेवन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को लॉजिकली, कि देर आर अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, यहाँ पे, यहाँ मान लो यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है दौड़ना, ठीक है, तो सोनिया इसका पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट्स लेगी, 18 मिनट्स लेगी, है ना, और जबकि रवि जो है वो 12 मिनट लेगा फॉर द सेम, अच्छा उस रवि जो है पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट, और अगर दोनों एक ही प्लेस से स्टार्ट करें, है ना, रवि कितने मिनट में, 12 मिनट में, तो वो ये पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद दोनों
स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे या मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो तब भी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए इसको कैसे। अब इसमें कौन तेज़ दौड़ेगा? रवि तेज़ दौड़ेगा, क्योंकि 12 मिनट के अंदर वो चक्कर लगा लेगा। 12 मिनट में तो ये यहाँ से चलेगा, वो वापस यहीं आ जाएगा, और सोनिया मैडम पीछे रह जाएंगे। रह जाएंगी नहीं रह जाएंगी? जितनी देर में सोनिया आगे बढ़ेंगी इतनी देर में रवि और आगे आ जाएगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम तो ज़रूर आएगा कि जहाँ पर ये दोनों फिर से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे। तो वो टाइम तब आएगा कि हमारे रवि बाबू जो है बहुत तेज़ी से चक्कर ज़्यादा लगा देंगे और उनका चक्कर कम रहेगा, है ना। कैसे? जैसे अगर मैं मान लूँ रवि मान लो 3 चक्कर लगा दे, तो 3 चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है तो 3 चक्कर 36 मिनट में लगाएगा। 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा देगा। और ये मैडम 36 मिनट में सिर्फ 2 ही चक्कर, क्योंकि 18 मिनट में पहुँच रही ना ये, तो 18 मिनट का कितना हो गया, 18 × 2 = 36। आ रही बात समझ में? तो वो 36 मिनट ऐसे होंगे कि जहाँ पर पहले जो 36 मिनट होंगे कि वो दोबारा से कहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद तो 72 मिनट के बाद ही मिल सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं बताना है हमको, बस फर्स्ट मीटिंग में बताना है कि कब मिलेंगे। तो हमें कुल मिलाकर इसका क्या बताना है, LCM बताना है। तो क्या लिखेंगे? वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 12 and 18। ठीक है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2। तो अपने को LCM बताना है। LCM में नंबर ऑफ वैरायटी देखते हैं, कितनी वैरायटी है, तो 2 और 3 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर 2। तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे या मिल जाएंगे, है ना। इस दौरान आप ये बता सकते हैं कि 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगाएगी और इतनी देर में ये 3 चक्कर लगा देगा, है ना। तो बने रहे रिपीट डेटा के साथ, है ना। पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए, और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके जो एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3, 4, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।